राहु काल को त्यागना चाहिए, राहु काल को छोड़ करके अन्य किसी भी समय में पूजन किया जा सकता है। तो मतलब बहनों को इंतजार भी करना होगा क्योंकि उस दिन व्रत रखने की भी प्रथा है, और कहते हैं कि भाई और बहन इस दिन दोनों व्रत रखते हैं क्योंकि रक्षाबंधन पर तो सिर्फ बहनें व्रत रखती हैं जब तक भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध देती हैं, लेकिन जब तक तिलक नहीं हो जाता ना भाई कुछ खाता है ना बहन। जी पयोधी बहन, मैं इसमें सबसे बड़ी बात, मैं इसके पूरे विधि विधान का वर्णन करता हूँ जिससे अपने जो न्यूज नेशन के जो नमस्कार, भाई दूज पर हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। भाई बहन का रिश्ता, ये रिश्ता जितना पवित्र होता है उतनी इसमें नोकझोंक होती है, अपार प्रेम होता है और एक दूसरे की सुरक्षा के लिए संकल्प होता है, और ऐसे ही संकल्प का त्यौहार है भाई दूज का त्यौहार। और इसी पर आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे इस पूरे त्यौहार को मनाया जाए, इसकी महत्वता क्या होती है, क्या पूरी विधि होती है, और ये जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शास्त्री जी, राजकुमार शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। सबसे पहले मैं आपसे यही हम समझना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या महत्व है इस त्यौहार का। भाई दूज का जो त्यौहार है ये उसके विपरीत है, और आप देखते हैं कि भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन के घर जाते हैं, और इसके साथ में यम और यमुना का संवाद है, किस प्रकार से भाई और बहन का कितना प्रेम है, कितना स्नेह है, और किस प्रकार से स्वयं अपनी बहन को मिलने के लिए यम देवता स्वयं अपनी बहन के घर जाती हैं, और भगवती जो यमुना है अत्यंत प्रसन्न होती हैं, अनेकों प्रकार के पकवान बनाती हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है इस त्यौहार में कि अन्न जो उत्सव है उसमें भी तिलक किया जाता है, लेकिन कुमकुम में जल मिला करके और उसी कुमकुम से तिलक किया जाता है। लेकिन जो भाई दूज का त्यौहार है इसमें दही में कुमकुम मिला करके और फिर बहन अपने भाई का तिलक करती है और उसके ऊपर अक्षत लगा करके उसकी दीर्घायु की कामना करती है। मैं यहाँ पर पूछूंगी क्योंकि त्योहार पर तो भाई जब बहन के घर जाता है तो वो ढेरों पकवान से उसका स्वागत करती है। काल को त्यागना चाहिए, राहु काल को छोड़ करके अन्य किसी भी समय में पूजन किया जा सकता है। तो मतलब बहनों को इंतजार भी करना होगा क्योंकि उस दिन व्रत रखने की भी प्रथा है, और कहते हैं कि भाई और बहन इस दिन दोनों व्रत रखते हैं क्योंकि रक्षाबंधन पर तो सिर्फ बहनें व्रत रखती हैं जब तक भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध देती हैं, लेकिन जब तक तिलक नहीं हो जाता ना भाई कुछ खाता है ना बहन। जी पयोधी बहन, मैं इसमें सबसे बड़ी बात, मैं इसके पूरे विधि विधान का वर्णन करता हूँ जिससे अपने जो न्यूज नेशन के जो दर्शक हैं उनको ये पूरी विधि विधान भी मालूम होना चाहिए कि किस विधि से बहन को अपने भाई की मंगल कामना के लिए तिलक करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि तिलक करने का जो सर्वप्रथम बहन जो है वो स्नान आदि से शुद्ध होकर के और भगवान गौरी गणेश और भगवान विष्णु का पूजन करे, जिस प्रकार हमने यहाँ पर देखे भगवान गणपति भी विराजमान हैं, भगवती लक्ष्मी माता भी विराजमान हैं, और देखिए मैं हमने यहाँ पर अखंड दीप भी जला करके रखा हुआ है और मंगल कलश यह भी हमारे पास में स्थापित है। और सबसे बड़ी बात है आपको बता दूं, ये देखिए हमने दही की यहाँ पर व्यवस्था किया हुआ है, ये दही है और इस दही में हम जो है कुमकुम मिला करके, ये हमारे पास में कुमकुम भी है और दही भी है, तो कुमकुम और दही मिला करके बहन अपने भाई का तिलक करती हैं। और उसके बाद चूँकि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, धन समृद्धि की वृद्धि के लिए ये अक्षत है हमारे पास में, जो कि अक्षत लगा करके मंगल कामना की जाती है। तिलक दीर्घायु के लिए है, जो हम तिलक करते हैं वो इसलिए कि हमारा जो भाई है वो दीर्घायु को प्राप्त करे, और उसके ऊपर हम अक्षत लगाते हैं, अक्षत इसलिए लगाते हैं वह धन धान से समृद्ध बना रहे, संपन्नता को प्राप्त करता रहे। गौरी और गणेश भगवान का पूजन करते हैं, भगवान गौरी गणेश और साथ में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु भगवान का पूजन भी करते हैं। अब ये सारी पूजन के उपरांत भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद जो बहन है वो अपने भाई के दीर्घायु के लिए महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करती है, अपने घर में रुद्राक्ष की माला में बैठ करके और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती है कि मेरा भाई किसी भी प्रकार के आरोग्यता से जो है आरोग्यता को प्राप्त करे, किसी प्रकार के शरीर में आधी व्याधि ना हो। और उसका जो महामृत्युंजय का मंत्र है वह मैं आपको सुनाता हूँ, और ओम ह्रूं ओम जुंसः भूर्भुवस्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वा भुवा भू सः जुं ह्रूं ओम। यह 52 अक्षर का मंत्र है, और हमारे जितने मंत्र हैं
उन सभी मंत्रों में मृत संजीवनी को छोड़ करके शास्त्री जी सभी मंत्रों से बड़ा मंत्र अगर दोहरा दे तो उन्हें समझने में आसानी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वैसे तो सभी लोग महामृत्युंजय मंत्र को जानते हैं, लेकिन आपको मैं पुनः इस मंत्र का उच्चारण करता हूँ। ओम ह्रूं ओम जुं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम ह्रूं ओम जुं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वः भुवः भू सः जुं ह्रूं ओम। इस प्रकार से यह बामन अक्षर का मंत्र है और इस मंत्र का उच्चारण करने से उर्वारुक का अर्थ होता है कि पका हुआ जिस प्रकार से अपना फल है, और खरबूजा जिस प्रकार से पक करके अपने आप अपने डाली से अलग हो जाता है, उसी प्रकार से मेरा जो भाई है वो सभी प्रकार के कष्ट सभी प्रकार की परेशानियों से अलग हो जाए, उसके जीवन में कोई परेशानी ना आए। तो इस प्रकार से ये सारा पूजन का विधान है। स्कंद पुराण में इसका बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है। और मैं एक बात और आपको पयोधी बहन बता देता हूँ कि अगर